हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टेकी मास्टर दशरथ। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पात्रता है या नहीं, अगर आप भी अपना नाम चेक करना चाहते हो कि आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में आपको स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं, कैसे चेक कर दे, तो गाइज अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और वीडियो देखने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको गाइज अगर आपको अपना नाम चेक करना है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसको ओपन कर दिया फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बार का, ठीक है। सर्च बार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है जो सर्च करना पड़ेगा IGSY, ठीक है। IGSY को सर्च कर दिया फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह का पेज आने के बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में फिर से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलेगा क्रॉस का, ठीक है। इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है IGSY योजना की पात्रता जांचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक क्या करना है, फिर यहाँ पर देख सकते हो आपको ये नाम लिखा हुआ है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पात्रता जांचे। इसके नीचे आपको लिखा हुआ है जन आधार संख्या और यहाँ पर श्रेणी, आपको यहाँ पर जन आधार संख्या यहाँ पर दर्ज करे पर लिखा है तो यहाँ पर अपना जनसंख्या जन आधार कार्ड की जनसंख्या को जन आधार संख्या को यहाँ पर दर्ज कर देना है, यहाँ पर टाइप कर देना है। आपको टाइप कैसे करना है, आपको पहले जन आधार कार्ड लेना है, फिर उसमें आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा पहचान संख्या, उस पहचान संख्या को यहाँ पर आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको श्रेणी कौन सी है, जैसे कि गाइस आप विकलांग है तो विकलांग की श्रेणी आपको करना है, विधवा है तो विधवा की श्रेणी आपको सिलेक्ट करनी है, आप छात्र है तो छात्रता की श्रेणी आपको सिलेक्ट करनी है, आप पढ़ाई कौन सी कर रहे हो तो आपको पढ़ाई कौन सी करना है, उसको यहाँ पर आपको सेंस साथ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें से आप जो भी सिलेक्ट करोगे, जैसे कि गाइस आप विधवा है तो आपको विधवा पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर नीचे ढूंढे का ऑप्शन मिलेगा, ढूंढे पर क्लिक करते ही आपके सामने आपको अपना ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगी आप उसके स्मार्टफोन योजना के एलिजिबल है या नहीं। तो गाइस आपको उसकी सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, ये सब भरने के बाद आपको नीचे ढूंढे पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं। और गाइस आपको स्मार्टफोन कहाँ पर मिलेगा उसके बारे में भी जानना है, आपको कौन से जिले में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, आपकी लोकेशन कहाँ पर होगी, तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंप खोजे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जिला तहसील ब्लॉक, आपको जिले में अपना जिला है जो भर देना है, जिला कौन सा है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे जिले आ जाएंगे। आपको यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से तहसील सेलेक्ट करना है, आपकी तहसील कौन सी है, तहसील भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तहसील देखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक का, आपका ब्लॉक कौन सा है, तो गाइस आपको जो भी ब्लॉक है ब्लॉक भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ढूंढे पर क्लिक करना है। ढूंढे पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आपको कहाँ पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में आपको स्मार्टफोन मिलेगा। तो गाइस इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपको आप भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता है या नहीं, और इसके कैंप की कैंप कहाँ पर लगेगा उसकी आपको लोकेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।